धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए, प्रभु ये अद्भुत समय के लिए, प्रभु आपने हमें संभाला है, आपने हमें संवारा है, आपने हमें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि अपनी समझ से परिपूर्ण किया है, आपने हम पर अपना अनुग्रह दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे दयालु परमेश्वर, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं। हम सभी भाई और बहनें मिल के प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपके बताए मार्गों पर चले, आपके बताए वचनों पर दृढ़ हों प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु आप जो हमारी सदा ही सहायता और मदद करने वाले हैं खुदावर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी भाई और बहनें प्रभु अपने प्रार्थना अपने निवेदनों को लेकर आपके चरणों में सबको समर्पित करते हैं प्रभु, कि आप हमारी प्रार्थना हमारे निवेदन को सुनने वाले, हमारे दृढ़ करने वाले प्रभु आप हम सबको अनुग्रह करें, हम पर अपनी दया बनाए। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु हमेशा हमारी सहायता और मदद की है, हर समय हर घड़ी आप हमारे संग संग बने रहे, आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे, आप हमारे संग संग प्रभु जहाँ कहीं जाएं आपकी संगति हो, आपकी उपस्थिति हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज जितने भाई बहन प्रार्थना निवेदन हमारे संग जुड़े हैं प्रभु, आप सब पर अनुग्रह बनाए, सबके साथ आपकी उपस्थिति हो। पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में खुदा यीशु। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हो और हम सब पर आपका अनुग्रह बना हो। पवित्र आत्मा हम सब के संग संग बने रहे, न कभी छोड़ना न कभी त्यागना। हाँ प्रभु हमें सहायता और मदद कहाँ से मिलती है, हमें सहायता और मदद खुदावन आप से मिलती है। आप हमारे जिंदा जलालु परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करने वाले खुदावन आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में अपने जीवन के बागडोर को सौंपते हैं हम। हर एक निर्णय हर एक जो भी हम प्रभु फैसला लेते हैं आपकी अगुवाई में हो प्रभु यीशु मसीह, आपके बताए मार्गों के द्वारा आपके बताए वचनों के द्वारा हम उस पर आगे बढ़ते रहे प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे मार्गदर्शन के रूप में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु आपका वचन यशाया 54:6 में कहता है प्रभु कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, तू अंधेर से बचेगा क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हमारे बाहर जो भय है प्रभु, हमें जो भयभीत करने वाले कारण है प्रभु, आज आपके नाम में उन सभी भयभीत करने वाले कारणों को खत्म करते हैं। जो भी डर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं, हमारे जीवन में हर प्रकार के अंधकार को खत्म करते हैं क्योंकि आप हमारे संग है प्रभु, तो हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें किसी बात का भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है खुदावन, क्योंकि आप हमारे संग संग है। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार को मिटाया है, हमारे जीवन से हर प्रकार के भय को दूर किया है, हर प्रकार के डर को दूर किया है प्रभु। हाँ खुदावन आज आप उन सभी भाइयों बहनों की स्तुति ले प्रभु, आपकी प्रभु महिमा करें कि हम आपकी प्रार्थना निवेदन के द्वारा आपके साथ हम बने रहें। हम हर परिस्थिति में आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर बात में आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमारे सुनने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं जाए प्रभु आप हमारे संग संग बने रहे, हमें किसी बात का कोई भय ना हो, किसी बात का कोई डर ना हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन के धार्मिकता को दृढ़ करें प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन की धार्मिकता को स्थिर करने वाले आप हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु हम जो कुछ वचन पढ़े जो कुछ वचन सुने वो प्रभु आपके बताए वचनों पे प्रभु हम अमल कर सके और अपने जीवन में लागू कर सके और अपने जीवन को आगे सुंदर और सुंदर बना सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी आशीष और अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
प्रभु जहाँ कहीं जाए आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह, आपकी छत्र छाया में हम बने रहें, स्वर्ग दूतों की नींद हमारे आने जाने में हमारी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु, आज जितने भाई बहन आज ट्रैवलिंग करेंगे, जहाँ अपने घरों से निकलते हैं, आप उनकी सहायता मदद करें, उनके हर प्रकार से प्रभु मदद करें, ताकि वो सही सलामत अपने स्थान पर पहुँच सके, अपने घर, ऑफिस और हर प्रकार के खेत खलिहान पे प्रभु सब पर आपका अनुग्रह हो। जहाँ कहीं जाए प्रभु आप उनके संग संग बने रहें, उनको न छोड़ना न त्यागना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। उन सब की सुधि ले जो प्रभु आज दुख दर्द और पीड़ा में बने हैं प्रभु यीशु मसीह। आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को, उनके प्रभु हर प्रकार से जो प्रभु पीड़ा में पीड़ित है, प्रभु उनको अनुग्रह करें प्रभु, और उनके जीवन में आपकी शांति हो, आपका शालोम हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हर संकट, हर मुसीबत, हर दर्द, हर पीड़ा को यीशु मसीह आपके नाम से दूर भगाते हैं। आपसे हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु कि आज इसी वक्त हमारे संग जुड़े भरे भाई और बहनों को प्रभु अनुग्रह करें, उन पर हर प्रकार से आशीष प्रदान करें कि उनके जीवन से हर संकट, हर मुसीबत, हर दर्द, हर पीड़ा खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज जो निराशाओं में घिरे हैं प्रभु, आज जिनके मन हताश हैं प्रभु यीशु मसीह, आज आपका उन पर अनुग्रह हो, आज प्रभु आपकी आशीष बरकत हो कि उनके जीवन से निराशा खत्म हो जाए, उनके जीवन से हर प्रकार का प्रभु जो बोझ है, जो उनके मन में जो उनको पीछे धकेलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप खुदावन हमारे संग बने हो, मनुष्यों से कुछ नहीं है किंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, दया करुणा बना प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन, सबके जीवन जो प्रभु आज अंधकार में गुजर रहा है, आज उनके अंधकार को खत्म करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया प्रभु। हाँ प्रभु, जितने आज प्रार्थना कर रहे हैं अपने चंगाई के लिए, जिनकी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं हर प्रकार के रोग से मुक्ति के लिए, दर्द है जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, बदन दर्द, प्रभु यीशु मसीह उनके हड्डियों का दर्द, वो आज इसी वक्त इस प्रार्थना के द्वारा खत्म होता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हर प्रकार के दर्द को यीशु मसीह के नाम से दूर भगाते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने सभी भाई और बहनों को चंगाई दी, उनके जीवन से दर्द पीड़ाओं को दूर किया, दर्द पीड़ाओं को खत्म किया, नाश किया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, आज न केवल उनके शरीर का दर्द खत्म हो, बल्कि उनके मन में जो बोझ है, जो दर्द है, पीड़ा है, वो आज खत्म हो जाए। मन के पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। मन में जो बोझ है, जो प्रभु बोझ उनको दबा रहा है प्रभु, आज वो बोझ खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उनके हर प्रकार से प्रभु चिंताओं को दूर करे, उनकी सुधि ले प्रभु। जो प्रभु आज प्रार्थना कर रहे हैं चिंताओं से ग्रसित है प्रभु, आज उनकी चिंताओं को दूर करने वाले आप है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 प्रभु। उनके मन के डिप्रेशन को खत्म करे, उनके मन की चिंता को खत्म करे, उनका अकेलापन प्रभु आप खत्म करने वाले हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज आप सबकी सुधि लेने वाले प्रभु, और इनसे हर प्रकार के चिंताओं को खत्म करने वाले, अकेलेपन को खत्म करने वाले आप है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी भाई और बहनों को सुधी ली प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपकी अगुवाई में प्रभु सदा आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ प्रभु, हम पूरे आशा और विश्वास के साथ आपसे ये प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि आप हमारे प्रार्थनाओं को, गिड़गिड़ाहटों को सुनने वाले हैं, हमारे विश्वास को प्रभु आप दृढ़ करते हैं, हमारे आशाओं को कभी खत्म नहीं करने देते हैं, हमारे सब प्रकार के निराशाओं को आपने आशा में बदला है, आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु, आश्चर्य कर्म किए हैं जो हमारे समझ से परे है प्रभु, जो हमारे समझ के बिल्कुल नहीं कि हमारे आशाओं के ऊपर आपने कार्य किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, आपकी अगुवाई में हम आगे बढ़ते हैं, आपके प्रार्थना निवेदन
निवेदन जो हम करते हैं प्रभु, आप उन सभी का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु, और सारी महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह, आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।